सरकार से कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा सर सरकार से। हाँ जी, तत्काल प्रभाव से इनका इसको झबरेड़ा से हटा के मैंगलोर में शामिल करवाऊंगी और अभी करवाऊंगी। सरकार से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं होती है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कुछ नेताओं की जालसाजी के तहत ये गांव झबरेड़ा में डाला गया। वोट बैंक की राजनीति है ये। हमें कुछ नहीं सुविधा मिल रही, कुछ भी गरीब है, गरीबी में ही रखे हैं हमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक उड़की। आपको बताया जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे आज मंगलोर वाल्मीकि बस्ती पहुंची, जहां पर वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने उन्हें बताया कि निवास स्थान मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जबकि उनको अपना वोट डालने के लिए झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या कहा भावना पांडे ने। की समस्या ये है कि वाल्मीकि बस्ती वालों की ये मंगलोर में है, सड़क के इस तरफ है झबरेड़ा में, तो मैं चाहती हूँ कि ये मंगलोर गाँव में ही आ जाए। कुछ नेताओं की जालसाजी के तहत ये गांव झबरेड़ा में डाला गया। वोट बैंक की राजनीति है ये। लोगों को इतनी प्रॉब्लम, लोगों को इतनी समस्या आती है, इतनी समस्या आती है यहाँ पर कि है तो मैंगलोर बाजार में ही है और आता ही झबरेड़ा में है। तो इसलिए मैं आयु आज समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था कि भाई हमारी आप आवाज़ को सरकार तक पहुँचाइए, हमारी आवाज़ को जो सरकार तक पहुँचाइए। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पहुँची हूँ, बाकी का ये सारी डिटेल यहाँ के लोग बता देंगे आपको। जी क्या कहना चाहेंगे, ये समस्या क्या है? ये है जी, जी बेटा बेटी। हाँ जी सर, मैंने यहाँ का, हाँ जी, जो मंगलोर क्षेत्र है सर, ये सरकार से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं होती है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में लगता है, मतलब आधा एरिया है मंगलोर का जो मतलब मंगलोर में लगता है, और यहाँ से जो एरिया सरकार की कोई भी सुविधा हो, इसी समस्या को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ा था, मतलब प्रधान पद की उम्मीदवार से मैंने चुनाव लड़ा था कि इसी कारण से लड़ा था कि आज का युवा वर्ग आगे आए और युवा वर्ग में होना चाहिए कुछ करके दिखाने वाली बात सर, पर मैंने यहाँ के मतलब कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। मतलब ये अगर कोई सरकारी सुविधा आती है यहाँ तक, कुछ लोग अपना प्रॉफिट करते हैं और जनता ऐसे ही रहे। तो हमारी यही अपील है मतलब सरकार से, ये जो मोहल्ला है हमारा ये मंगलोर में लग पाए और जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं हैं, जितनी सारी जो सुविधाएं होती है वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र को भी मिल पाए। झबरेड़ा विधानसभा में लगता है, शहर के बीचों बीच में मंगलोर में है। हाँ जी बीचों बीच है, राजनीति क्रम चल रहा। हाँ जी राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है। जो यहाँ के प्रधान है आप देख लीजिए, यहाँ पे पानी यहाँ पे इतना ज्यादा घुस गया था, बाढ़ जैसे माहौल हो गया था सर, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, सारा खराब हो गया, घर में अभी तक घर तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं सरकारी योजना का कोई यहाँ पे कोई लाभ नहीं है। आज भावना पांडे मैम पहुंची हैं, आप लोगों के बीच में क्या उम्मीद करते हैं सर? यहाँ पे एक हमारे जो शमशान घाट वगैरह है वहाँ की बाउंड्री होना चाहिए, रोड वगैरह अच्छे होने चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मैडम से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? मैडम से यही उम्मीद है कि अगर मैडम हमारे सब का समर्थन करते हैं हम, तो ये मंगलोर हमारा मंगलोर में लगाए, मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र को। जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई इन लोगों ने, आज आप पहुंचे हैं, मैम से उम्मीदें हैं। देखिए इन्होंने अगर मुझे बुलाया है तो मैं आई हूँ, और काफी बड़ा गाँव है ये, कम से कम 6-7 हज़ार वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, और इनके साथ न तो ये झबरेड़े में गिनती है इनकी, न मंगलोर में गिनती है, कोई सुविधा नहीं मिलती है, सबसे बड़ी समस्या है। तो अब अगर ये लोग मुझे इस, अभी मैं इनका प्रयास करती हूँ, अगर ये मुझे लोकसभा में यहाँ से अगर मुझे वोट मिलेंगी, और वैसे भी मैं अभी सरकार से बात करती हूँ और मुझे इनका समर्थन भी चाहिए लोकसभा में पूरे वाल्मीकि समाज का, तो मैं तत्काल प्रभाव से इनका इसको झबरेड़ा से हटा के मैंगलोर में शामिल करवाऊंगी और अभी करवाऊंगी।